मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक निर्माणाधीन फोर लेन कार्य का बुधवार को जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने फोर लेन निर्माण में बाधा बन रहे विद्युत पोलों, ट्रांसफार्मर और तारों को हटाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाला खिचड़ी मेला करीब है, जिसको देखते हुए फोर लेन का निर्माण को दिसंबर के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, Thank you.
कट तो है यहाँ पे, कटिंग बनाओगे तो शूटिंग कैसे करेंगे? तो ये वैसे ही किनारे पे है, ज़्यादा दूर पे नहीं है, इस पे तो इनका साइड भी तो क्लियर है ना सर। कोरिया मोहदीपुर का एक मार्ग है, करीब 17 किलोमीटर का है, गोरखपुर का मुख्य मार्ग के रूप से है ये। ये नेशनल हाईवे के माध्यम से निर्माण की जा रही है। खासतौर पे खिचड़ी मेला भी नज़दीक आ गया। हम लोग का जो इम्पॉर्टेंट जो मंदिर के सामने वाले पैच है, शहर के अंदर 2 किलोमीटर का पैच है ये, इसको तो किसी भी सूरत पे हम लोग दिसंबर अंत तक खत्म कंप्लीट करने चाहते हैं। इस पे बिजली विभाग का लाइन शिफ्टिंग का भी काम है और जो निर्माण विभाग का डक्ट बनाना और रोड बनाने के काम भी था। काम काफ़ी धीमे चल रही थी, इसलिए तो हमने स्वयं निरीक्षण किया था और काम में तेजी लाने के लिए बताया, फिर संबंधित लापरवाही अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई कराने के लिए भी निर्देश दिए थे। उम्मीद है अभी इसी महीने तक काम कंप्लीट हो जाएगा।